दोस्तों मूवी पठान रिलीज के आज पूरे 12 दिन कंप्लीट हुई है और माइकल मूवी रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुई है। और इस वीडियो के अंदर स्पेशली माइकल मूवी के 3 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे और पठान मूवी के 12 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे आपको। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें पठान मूवी के बारे में, तो दोस्तों पठान मूवी शुरुआती दिन से ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिकल कलेक्शन करते आए हैं। इस मूवी ने शुरुआती 10 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था पूरे 729 करोड़ रुपए यानी 729 करोड़ रुपए। लेकिन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आपको नेट कलेक्शन बताएंगे, उसके बाद इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन को बता के फिर 12 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है पठान मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 57 करोड़ रुपए और मूवी ने अपने दूसरे दिन में टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 70 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी तरह से दोस्तों मूवी ने अपने 11 दिनों में यानी शुरुआती दिन से लेकर कल तक इस मूवी ने टोटल जो इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 402 करोड़ 15 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 12वें दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों आज जो कमाई होने लगे है पठान मूवी की आपको जान के हैरानी होगी। पठान मूवी अपने दूसरे वीकेंड के 12वें दिन में टोटल इंडिया पे जो आज नेट कलेक्शन होने लगे है यानी करने लगे है पूरे 29 यानी 29 करोड़ रुपए। दोस्तों पठान मूवी के लिए आज भी एक हिस्टोरिकल डे है क्योंकि मूवी अपने 11 दिन जाने के बाद भी अपने 12वें दिन में 29 करोड़ की सिर्फ नेट कलेक्शन करना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 12 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं वो हुई है पूरे 431 करोड़ 15 लाख रुपए। जबकि दोस्तों मूवी के 12 दिनों का टोटल इंडिया पे जो ग्रॉस कलेक्शन किया है मूवी पठान ने पूरे 535 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कमाई की, तो दोस्तों पठान मूवी ने अपने इन 12 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर से पूरे 295 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने अपने 12 दिनों में टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन की है पूरे 535 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 12 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 295 करोड़ रुपए। यानी शाहरुख खान की मूवी पठान ने अपने 12 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है पूरे 830 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है पठान मूवी के 12 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन चुकी हुई है पूरे 830 करोड़ रुपए। और इसके साथ दोस्तों बन चुकी है पठान मूवी वन ऑफ द ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर मूवी। और यहाँ पे बात करें अनदर जो मूवी है माइकल मूवी, जो मूवी रिलीज के आज पूरे 3 दिन कंप्लीट हुई है। दोस्तों माइकल मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 15 करोड़ रुपए। और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी ने माइकल ने मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 3 करोड़ 20 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने दूसरे दिन में टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 90 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक माइकल मूवी ने आज इंडिया पे जो नेट कमाई करने लगे हैं पूरे 2 करोड़ 80 लाख रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के 3 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं वो हुई है पूरे 8 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि 3 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन हुई है पूरे 12 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कमाई की, तो दोस्तों माइकल मूवी ने अपने इन 3 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर से पूरे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने अपने 3 दिनों में इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन की है पूरे 12 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने 3 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 1 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी माइकल मूवी ने अपने शुरुआती 3 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है पूरे 13 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है माइकल मूवी के 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन चुकी हुई है पूरे 13 करोड़ 30 लाख रुपए। तो दोस्तों देखते हैं आगे माइकल मूवी कितने करोड़ की कमाई कर पाते हैं, जो कि हम आपको पल पल के जानकारी देते रहेंगे। आपसे भी उम्मीद है आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।